दोस्तों उम्मीद है कि आपने द कश्मीर फाइल्स फिल्म देख ही ली होगी। अगर नहीं देखी है तो जरूर देख लें, क्योंकि इस जानकारी को आप कश्मीर फिल्म देखने के बाद ही ज्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। इस खास वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं द कश्मीर फाइल्स के उस कैरेक्टर की, जिससे इस वक्त देश के लोग काफी नफरत कर रहे हैं, और ये कैरेक्टर है राधिका मेनन का। ये कैरेक्टर किससे मेल खाता है, इसके लिए हमने काफी रिसर्च किया और बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की है, और जो सामने आया है वो हैरान करने वाला है। जी हाँ, क्योंकि इस फिल्म में राधिका मेनन के कैरेक्टर में दो लोग समाये हुए हैं। वो दो लोग कौन हैं, इस वीडियो में आप जानने जा रहे हैं। इसके साथ ही हम इनके वे कांड भी आपको बताएंगे, जिसने पूरे देश को शर्मिंदा किया था। आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस फिल्म में दिखाई गई राधिका मेनन जेएनयू में प्रोफेसर है, और उनका ये रोल निवेदिता मेनन से इंस्पायर दिखाई देता है, क्योंकि जिस तरह का भाषण इस फिल्म में दिखाया गया है उसी तरह का भाषण निवेदिता मेनन ने साल 2016 में तब दिया था, जब सरकार ने कुछ भटके हुए जेएनयू के छात्रों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया था। इस भाषण में उन्होंने क्या कहा था, इसका एक छोटा सा हिस्सा भी हम आपको सुनवाते हैं। तो देखते हैं एंटी नेशनल कौन कौन है। पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट तो है ही एंटी नेशनल, कश्मीर तो है, मुसलमान तो सारे हैं ही, अभी ज्यादा क्रिश्चियन भी बन रहे हैं एंटी नेशनल। अम्बेडकराइट तो है, क्योंकि कबीर कला मंच के सारे जेल में है, क्योंकि वो गाना गाते हैं जातिवाद के खिलाफ, अम्बेडकराइट हैं। तमिलनाडु तो है ही, क्योंकि हिंदी नहीं बोलेंगे वो, तो तमिलनाडु बहुत सदियों, मतलब बहुत दिनों से वो एंटी नेशनल है। लैंड एक्विजिशन के खिलाफ जो आदिवासी और किसान बोलते हैं वो हैं एंटी नेशनल। औरतें जो जीन्स पहनती हैं, शराब पीती हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि निवेदिता मेनन को देश पर गर्व बिल्कुल नहीं है। वे मानती हैं कि नागालैंड से लेकर छत्तीसगढ़ तक सेना ने देश के 40% हिस्से को कब्जाया हुआ है, यहाँ लोगों पर जुल्म किए जाते हैं। यही नहीं, वे ये भी मानती हैं कि भारत ने कश्मीर पर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। इसके साथ ही निवेदिता मेनन उन लड़कों को भी गलत नहीं मानती जो देश के खिलाफ नारे लगाते हैं। हमें लगता है कि राष्ट्र राज एक बहुत ही मजबूत चीज़ है, लेकिन अगर इतना ही मजबूत होता तो दो लोगों ने, पांच लोगों ने, पांच लड़कों ने अगर कोई इस तरह का नारा लगाया भी होता तो एक इस तरह जैसे मक्खी को उड़ाते हैं 26 जनवरी को जो हम देखते हैं ना राजपथ पर, वो है राष्ट्र राज्य। और इतना डर कि चार लड़कों ने कोई स्लोगन उठाया, इतना मतलब राष्ट्रजाज हिलता है इस पर, तो जाहिर है कि राष्ट्रजाज इतना मजबूत नहीं है जितना हम समझते हैं। अब आप सोचिए, जिस जेएनयू की प्रोफेसर की सोच ही इस तरह की है तो फिर इस कॉलेज से निकलने वाले छात्र कैसे होंगे, उन छात्रों को देश पर गर्व कैसे होगा। अब चलिए उस दूसरी महिला की भी बात कर लेते हैं जिसे इस फिल्म की राधिका मेनन का कैरेक्टर इंस्पायर है। हम आपको ये बताएं, इससे पहले हम आपको फिल्म के उस सीन की याद दिलाना चाहते हैं, जब फिल्म का हीरो कृष्णा पंडित बिट्टा कराटे से मिलने जाता है। यहाँ आपको उसके घर में एक तस्वीर दिखाई दी। इस तस्वीर में राधिका मेनन और बिट्टा कराटे हाथ पकड़े हुए दिखाई देते हैं। अब जरा आप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस तस्वीर को भी देख लीजिए। इस तस्वीर में यासिन मलिक, अरुंधति रॉय का हाथ बिल्कुल उसी अंदाज में पकड़े दिखाई देती हैं, जैसा इस फिल्म में दिखाया गया है। वैसे आपको बता दें कि बिट्टा कराटे का किरदार भी यासिन मलिक और बिट्टा कराटे यानी दो लोगों से इंस्पायर है, इसकी जानकारी हम पहले ही आपको दे चुके हैं। अगर आप इसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के आई बटन पर आपको उस वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी। और जिस तरह से कश्मीर और देश को लेकर निवेदिता मेनन के विचार हैं, कुछ इसी तरह की बातें अरुंधति रॉय भी करती रही हैं। तो इन दोनों कथित समाजसेवियों के बारे में आप भी अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। साथ ही हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे जानकारी से भरे वीडियो में। नमस्कार।